हेलो फ्रेंड्स, इट्स चैप्टर 3 ऑफ योर क्लास द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। बिफोर इट इन चैप्टर 2 वी न्यू अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। टुडे वी विल नो अबाउट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। सो गेट स्टार्टेड। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, द गिफ्ट ऑफ द नाइल। The Egyptian civilization emerged in the Nile Valley in northeastern Africa. The Nile Valley, which is a narrow strip of fertile land, is protected on the east by the Red Sea and on the west by the Sahara Desert. So, jo Egyptian civilization, Nile River, jiske baare mein aapne padha hoga, longest river in the world, उसकी वैली, उसकी घाटी में उत्पन्न हुई, जो कि उत्तर पूर्वी अफ्रीका में पड़ती है, जहाँ पर वो कि एक पतली सी गली जैसी है, जो कि पूर्व से लाल सागर और पश्चिम से सहारा रेगिस्तान द्वारा सुरक्षित है। द रिवर नाइल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के विकास के लिए नील नदी ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया। बट फॉर द नाइल, इजिप्ट वुड हैव बीन अ डेजर्ट। लेकिन नाइल के लिए इजिप्ट एक रेगिस्तान था। एवरी ईयर द नाइल वुड overflow its banks, transforming the entire valley into a vast lake when the flood water recedes. हर साल नील नदी अपने किनारों से overflow हो जाती थी और एक बड़ी सी झील के रूप ले लेती थी। यह इसके पीछे मिट्टी और कई उपजाऊ चीज़ें छोड़ जाती थी। दिस एनुअल डिपॉजिट मेड द लैंड वेरी फर्टाइल। इस सालाना कार्य की वजह से वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ हो गई। क्रॉप्स ग्रू इजीली इन दिस लैंड एंड यील्डेड रिच हार्वेस्ट। फसलें वहाँ पर अच्छे से उगने लगीं और जब उन्हें काटा जाता था तब वे बहुत अच्छी फसलें और बहुत महंगी फसलें साबित होती थी। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फ्लड इन नाइल अकर्ड एट अ टाइम व्हेन द लैंड वाज पार्च्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। यह रोचक तथ्य है कि बाढ़ तब आती थी जब अगस्त के महीने में भूमि सूख जाती थी। द इजिप्टियंस बिल्ट कैनाल्स, डाइक्स एंड रिजर्वोयर्स ऑल अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर टू हेल्प एग्रीकल्चर ऑन अ लार्ज स्केल। इजिप्टियंस ने नहरें और कई तालाब बनाए जिससे कि उन्हें खेती करने में आसानी हो। द नाइल आल्सो सर्व्ड एज अ नेशनल हाईवे फॉर नेविगेशन। नाइल उनके लिए एक राष्ट्रीय हाईवे भी था। दिस इनेबल्ड द इजिप्टियंस टू कैरी ऑन ट्रेड विद नॉट ओनली दियर नेबर्स बट आल्सो विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इजिप्टियंस इससे नाइल नदी से अपने सामानों को इधर उधर ले जाकर व्यापार कर लेते थे अपने आसपास के किंगडम्स में। इजिप्ट दस बिकेम अ लैंड ऑफ प्लेंटी। इजिप्ट इसलिए धनी भूमि या धनी क्षेत्र बन गया। राइटली देयरफॉर इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल।
इसीलिए मिस्र को नाइल का एक उपहार कहा जाता है। द सिविलाइजेशन हैड एन अनडिस्टर्ब्ड एग्जिस्टेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस सभ्यता को लंबे समय तक किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। लॉन्गेस्ट अमंग द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द ब्रॉन्ज एज। और यह ब्रॉन्ज एज कांस्य युग की सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली सिविलाइजेशन में से एक थी। इजिप्ट आल्सो गेन्ड फ्रॉम इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द डेजर्ट। इजिप्ट ने रेगिस्तान से भी अपनी कई चीज़ें हासिल की। द डेजर्ट प्रोटेक्टेड इजिप्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस। डेजर्ट उन्हें विदेशी आक्रमणों से बचाता था। द मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम द डेजर्ट हेल्प द इजिप्टियंस टू मेक टूल्स दैट हेल्प देम इन दियर मैसिव कंस्ट्रक्शन वर्क्स। और रेगिस्तानों में कई खनिजों के डिपॉजिट्स होते थे जिनसे कि वे बड़े पैमाने पर चीज़ें बना सकते थे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। हियर हमें मैप दिया गया है इजिप्टियन सिविलाइजेशन का। सो इजिप्टियन सिविलाइजेशन ये है, और ये बीच में से आप देख सकते हैं नाइल रिवर गुजर रही है। तो यहाँ से ही वे ट्रेड कर पाते थे, और इसलिए इजिप्ट को नाइल का उपहार कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। प्राचीन मिस्र को तीन भागों में बांटा गया था। द ओल्ड किंगडम 3000 to 2000 BC अप्रोक्स। द मिडल किंगडम 2000 to 1700 BC। द न्यू किंगडम 1600 to 1100 BC। सो फीचर्स ऑफ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की विशेषताएं। सोर्सेज। अवर इंफॉर्मेशन ऑन द इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, इंस्क्रिप्शंस एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इजिप्टियन सिविलाइजेशन पर हमारी जानकारी पुरातात्विक खुदाइयों और शिलालेखों पर निर्भर करती है, और कई डॉक्यूमेंट्स पर भी जो कि उस समय लोगों ने बनाए। सोशल स्ट्रक्चर। सो इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक स्ट्रक्चर। द एंशियंट इजिप्टियन किंग वॉज कॉल्ड द फाराओ। एंशियंट इजिप्ट में जो राजा होता था उसे वे लोग फाराओ के नाम से बुलाते थे। ही हैड सुप्रीम पावर्स एंड हिज वर्ड्स वॉज लॉ टू द पीपल। उसके पास सर्वाधिक शक्ति थी और उसके शब्द लोगों के लिए कानून थे। ही वॉज वर्शिप्ड एज गॉड एंड आफ्टर हिज डेथ हिज स्टैचू वॉज प्लेस्ड इन अ टेम्पल। उसे भगवान की तरह पूजा जाता था, और फाराओ की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी जाती थी। द इजिप्टियन सोसाइटी विद द किंग एट इट्स हेड वॉज डिवाइडेड इंटू फोर डिस्टिंक्ट क्लासेस। इजिप्टियन समाज जिसका प्रधान राजा होता था इसे चार क्लासेस में बांटा गया है।
द अपर क्लास कंसिस्टेड ऑफ द रॉयल फैमिली, द नोबल्स, हाई रैंकिंग प्रीस्ट एंड हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. जो ऊपर की क्लास या श्रेणी होती थी उसमें राज परिवार, बड़े प्रीस्ट, पुजारी और सरकार के कई कर्मचारी आते थे. दे लिव्ड इन कंफर्ट एंड लग्जरी. वे आराम से रहते थे और उनके पास कई सुख सुविधाएं होती थी. द मिडिल क्लास कंप्राइज द मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड आर्टिसियंस. मिडिल क्लास में व्यापारी, चीज़ें बनाने वाले और कलाकार आते थे. द फार्मर्स एंड कल्टीवेटर्स फॉर्म द थर्ड क्लास. किसान तीसरी श्रेणी में आते थे. लोएस्ट इन द सोशल ऑर्डर वर द स्लेव्स हु वर मोस्टली प्रिजनर्स ऑफ वॉर. सबसे नीचे की श्रेणी में गुलाम आते थे और युद्धबंदी भी उसी श्रेणी में आते थे. पोजीशन ऑफ वीमन, स्त्रियों की स्थिति. पीपल इन द इजिप्टियन सोसाइटी लिव्ड इन लार्ज जॉइंट फैमिलीज. इजिप्टियन समाज में लोग बड़े संयुक्त परिवारों में रहते थे. दो द फादर वॉज द हेड ऑफ द क्लोज निट फैमिली, वीमन वर ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट. चूंकि पिता परिवार का हेड होता था इसलिए स्त्रियों को सम्मान के साथ व्यवहार में लाया जाता था. दियर राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिकग्नाइज्ड. उन्हें जायदाद रखने का अधिकार भी दिया गया था. दे वर आल्सो इक्वल टू मैन इन द आईज ऑफ लॉ. कानून की नज़रों में वे पुरुषों के बराबर थीं. इन द न्यू किंगडम द क्वींस ऑफन रूल्ड अलोंग विद दियर हस्बैंड्स. नए साम्राज्य में रानियां भी राजा के साथ राज्य करती थीं. क्वीन नेफर्टिटी रूल्ड विद हर हस्बैंड अखेनातेन. रानी नेफर्टिटी ने अपने पति अखेनातेन के साथ राज किया. क्लियोपात्रा सेवन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वींस ऑफ इजिप्ट. क्लियोपात्रा सेवन इजिप्ट की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रानी थी. ऑक्यूपेशन, व्यवसाय. एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था. दे फॉर्म्ड द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन द एंशियंट वर्ल्ड. प्राचीन संसार में वे सबसे बड़ी कृषि समुदाय में रहने वाले थे. द हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन हेल्प्ड कल्टीवेशन थ्रू आउट द ईयर. हाईली डेवलप्ड इरीगेशन के सिस्टम ने साल भर फसलों को पानी देने में मदद की. द चीफ क्रॉप्स वर वीट, बारले, लेंटिल्स, बीन्स, डेट्स, फिग्स एंड मिलेट. मुख्य फसलें थीं गेहूँ, जौ, बाजरा, खजूर, दालें इत्यादि. इजिप्ट बिकेम द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड. इजिप्ट दुनिया का खाद्यान्न बन गया, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उगाए जाते थे.
वैली ऑफ द नाइल वॉज कॉल्ड द लैंड ऑफ स्माइलिंग प्लेंटी। नाइल की घाटी को स्माइल करते हुए धन के नाम से जाना जाता था। हनी वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। शहद फूलों के पराग से बनाया जाता था। फ्लैक्स वॉज ग्रोन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लिनन। फ्लैक्स का प्रयोग, मोम का प्रयोग लिनन बनाने के लिए किया जाता था। लिनन एक फाइबर होता है। पेपीरस वॉज मेड फॉर द पेपीरस प्लांट। पेपीरस पौधे से बनाया जाता था। इट वॉज यूज फॉर राइटिंग एज वेल एज टू मेक रोप्स, सैंडल्स एंड बास्केट्स। इसका प्रयोग लिखने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए और बास्केट बनाने के लिए भी किया जाता था। द इजिप्टियंस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज काउज, शीप्स, गोट्स, डंकीज एंड कैमल्स। इजिप्टियंस पशुओं को पालते थे, जैसे कि गाय, बकरियाँ, भेड़ें, गधे, ऊँट इत्यादि। बर्ड्स लाइक डव्स एंड गीज वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड। पक्षी जैसे कबूतर और बतख भी पाले जाते थे। अदर ऑक्यूपेशंस वर फिशिंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, टूल मेकिंग, पॉटरी, स्कल्पचर्स, ग्लासवेयर, मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम, CTC। दूसरे व्यवसाय थे मछली पकड़ना, बढ़ई या कारपेंटर का काम, गहने बनाना, औजार बनाना, घड़े या मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तिकला इत्यादि। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन बोथ लैंड एंड सी रूट्स। ट्रेड दोनों भूमि और समुद्र के रास्तों से किया जाता था। लिनन, ज्वेलरी, ग्लासवेयर एट्सेट्रा वर एक्सपोर्टेड, वाइल गोल्ड, आइवरी, कॉपर एंड अदर लग्जरी आइटम्स वर इम्पोर्टेड। लिनन, गहने इत्यादि का एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था, जबकि सोना, हाथी दांत, तांबा और दूसरी चीज़ों का आयात किया जाता था। द इजिप्टियंस बिल्ट बोट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इजिप्टियंस भिन्न भिन्न आकार की नाव बनाते थे। वाइल स्मॉल बोट्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, द बिगर वंस वर यूज फॉर ट्रेड अक्रॉस द सी, जबकि छोटी नावों का प्रयोग यातायात के लिए किया जाता था और बड़ी नावों का प्रयोग समुद्र में व्यापार करने के लिए किया जाता था। कारवाज वर यूज्ड फॉर ट्रेड ओवर द डेजर्ट। रेगिस्तान में व्यापार करने के लिए कारवा का प्रयोग किया जाता था। द इजिप्टियंस यूज्ड द बार्टर सिस्टम एज कॉइन्स हैड नॉट yet been invented। मिस्र के लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का देने का जो सिस्टम था उनका, उसका प्रयोग करते थे, क्योंकि उस टाइम कॉइन्स नहीं चलते थे। रिलीजन, सो इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। द एंशियंट इजिप्टियंस वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेज। देयर चीफ गॉड वॉज रा, द सन गॉड। प्राचीन मिस्र के लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनके मुख्य भगवान रा थे, जो कि सूर्य देव भी कहे जाते हैं। ही वॉज द गिवर ऑफ लाइफ एंड वॉर्म्थ। वे जीवन और गर्मी देते थे सारे संसार को। अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस, अनूबिस,
इजिस, ओसीरिस, सेबेक एंड होरस वर ऑल्सो वर्शिप्ड. द इजिप्टियंस ऑल्सो वर्शिप्ड सम एनिमल्स लाइक काउ, क्रोकोडाइल, जैकाल, स्नेक एंड हॉक. इजिप्टियंस कुछ पशुओं की भी पूजा करते थे, जैसे कि गाय, मगरमच्छ, शियार, सांप और बाज. एवरी सिटी हैड इट्स ओन फेवरेट गॉड. प्रत्येक शहर का उसका एक पसंदीदा भगवान होता था. द टेम्पल ऑफ कर्णक वॉज डेडिकेटेड टू द सन गॉड. कर्णक का मंदिर सूर्यदेव के लिए था. द फाराओज वर आल्सो वर्शिप्ड एज गॉड्स. फाराओज की पूजा भी भगवान की तरह ही की जाती थी. ममीज. द इजिप्टियंस बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. मिस्र के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे. दे टुक ग्रेट केयर टू प्रिजर्व द बॉडी ऑफ द डेड. वे मरे हुए लोगों की बॉडी की बहुत देखभाल करते थे. सच बॉडीज विच वर एम्बेल्ड विद रेजिन एटसेट्रा एंड रैप्ड इन लिनन फॉर प्रिजर्वेशन आर कॉल्ड ममीज. इन बॉडीज को जिन्हें की लिनन में लपेट के रख दिया जाता है, उन्हें ममीज कहते हैं. ममीज वर प्लेस्ड इन कॉफिन्स एंड पुट इनसाइड अ टॉम्ब. ममीज को एक ताबूत में रखा जाता था और उसके बाद उन्हें एक मकबरे के अंदर रख दिया जाता था. क्लॉथ, फूड, ज्वेलरी, फर्नीचर एटसेट्रा वर कैप्ड इन द टॉम्ब्स. मकबरों में खाना, जवाहरात, कपड़े, फर्नीचर इत्यादि रखे जाते थे, जिससे कि मृत अपना आगे के जीवन में इन सारे सामानों का प्रयोग कर सके. द टॉम्ब्स ऑफ द फाराओज वर कॉल्ड पिरामिड्स. फाराओज के मकबरों को पिरामिड कहा जाता था.